हाय एवरीवन वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट सो हम यहाँ पे जो है क्लास इलेवन की एन हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड इसका जो है हमने यहाँ पे थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हम जो है डिफरेंट एम्पायर्स के बारे में कवर कर रहे हैं जैसे कि हमने देखा था कि मैसोपोटामिया एम्पायर जो है वो किस तरह से राइज होती है जो कि सिटी सेंट्रिक ही थी एंड आफ्टर डैट जो है हम देख रहे थे कि मैसोपोटामिया के बाद में जो है कौन कौन सी नई एम्पायर जो हैं वो सेटअप हो रही थी तो हम जो है रोमन एम्पायर के बारे में जो है बात कर रहे थे एंड आफ्टर डेट जो है हम यहाँ पे ईरानियन एम्पायर जो है ना इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये दो एम्पायर थी यहाँ पे तो जो कि जिनके बीच में आपस में हम बात कर सकते हैं कि एक कोलेप्स जो है वो हमेशा यहाँ पे होता रहता है तो रोमन एम्पायर के बाद में यहाँ पे जो ईरानियन है ना वो यहाँ पे रूल करते हैं तो फर्स्ट से लेके फिफ्थ सेंचुरी के बीच में यहाँ पे जो है इनका मेन रूल रहता है एंड फर्स्ट से लेके सेकंड सेंचुरी तक का जो टाइम है ना उसे जो है एक तरह से अर्ली रूलर्स बोला जाता है अर्ली एम्पायर एंड थर्ड सेंचुरी में बीच में यहाँ पे ना थोड़ा सा क्राइसिस जो है वो स्टार्ट हुआ था ट्राइब्स में जो है जो ट्राइब्स थी उन्होंने थोड़ा सा रिबेलियन करना स्टार्ट कर दिया था एंड उसके बाद में फोर्थ एंड फिफ्थ सेंचुरी का जो एक तरह से पार्ट है ना उसे जो है एक तरह से लेटर ओके लेटर रोमन एम्पायर के नाम से जो है जाना जाता है अर्ली में यहाँ पे जो है एक तरह से जो रोम के रूलर्स थे उन्होंने रूल किया था एंड लेटर में यहाँ पे जो ईरानियन रूलर थे ना उन्होंने यहाँ पे रूल किया था जैसे कि सासानियन एम्पायर हो गई तो उन्होंने यहाँ पे रूल किया था राइट right? तो यही चीजें जो है हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी तक का जो रोम है उसके बारे में तो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं एंड नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड सेंचुरी की थर्ड सेंचुरी में जो है कौन कौन सा क्राइसिस जो है वो यहाँ पे आया था तो वो चीजें हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे आज इस पर्टिकुलर वीडियो में एंड लेट स्टार्ट दीडियो सो इफ़ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी जो थी ना उस समय तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस थी प्रॉस्पेरिटी थी इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा था बट थर्ड सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस समय में एक फर्स्ट मेजर साइन जो होता है ना इंटरनल स्ट्रेन का मेन जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स होती है ना वो यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं एंड फ्रॉम द थर्टीज राइट टू थर्टीज से जो है ना यहाँ पे सेवर फ्रंट से एम्पायर के जो अलग अलग फ्रंट्स हैं ना वहाँ से सारी फाइट जो है ना एम्पायर को आ, एक तरह से लड़नी पड़ती हैं तो अगर ईरान की बात करें तो ईरान में जो है ना एक नई डायनेस्टी जो कि काफी ज्यादा एग्रेसिव थी वो इमर्ज हुई थी 225 में जो कि अपने आप को सांस बोलते थे एंड पंद्रह साल के बीच में ही उन्होंने जो है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है यूफ्रेट रिवर जो है ना यहाँ पे यूरोप में वहां तक ये पहुंच जाते हैं एंड एक रॉक इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिली है जो कि थ्री लैंग्वेजेस में उसे लिखा गया है उसमें ये बताया गया है शाहपुर शाहपुर वन जो कि ईरानी रूलर थे वो ये क्लेम करते हैं डेट कि उन्होंने रोमन आर्मी के सिक्सटी थाउजेंड जो सोल्जर्स है ना उन्हें कैप्चर कर लिया था एंड उसके बाद में जो ईस्टर्न कैपिटल है ना इनकी रोम की एंड एंटी, एंटीओकराइट वो भी उन्होंने जो है कैप्चर कर ली थी तो एक तो यहाँ पे सासास हो गए एक फ्रंटियर पे तो यहाँ पे सासासियंस आ रहे थे इनके साथ जो है रोमन एम्पायर को लड़ना था मीन जो है जो जर्मनिक ट्राइब्स थी ना इनके बीच में या फिर कुछ और ट्राइबल कॉन्फिडेंसीज थी जैसे कि अलामनी हो गई फ्रेंक्स हो गए गोद्स हो गए तो वो भी जो है ना रीन एंड डेन्यू फ्रंटियर जो है ना इन रिवर्स के फ्रंटियर्स तक जो है वो मूव कर रहे थे एंड वहां से भी जो है अब रोमन एम्पायर को अपने सोल्जर्स जो है बेचने पड़ते हैं वहां पर भी जो इनकी फाइट होती रहती है इन ट्राइबल एक तरह से इन ट्राइब्स के साथ भी तो हम बोल सकते हैं 233 से लेकर 280 के बीच में ये जो जो पूरा पीरियड था ना यहां पे जो है रिपीटेड इन हो रहे थे जितने भी इनके है ना यहां पे आ, ब्लैक सी टू दरब साउद जर्मनी यहाँ पे फाइटिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी तो बहुत ज्यादा क्राइसिस का प्रॉब्लम थी यहाँ पे थर्ड सेंचुरी में एंड जिसकी वजह से आप जो है ना रोमन्स को काफी सारी अपनी जो टेरिटरी थी ना डेन्यूब से Danube, वो यहाँ पे छोड़नी पड़ती है एंड जो ना इस पीरियड के थर्ड सेंचुरी बी सी के सीई के सॉरी तो वो जो है ना लगातार यहाँ पे फील्ड में लड़ रहे थे द द बार्बरियंस राइट अगेंस्ट दियस के खिलाफ जिन्हें एक तरह से इनके जो दुश्मन होते हैं उन्हें ये बार्बरियंस बोल रहे थे तो उनके खिलाफ जो है ये हमेशा ही युद्ध कर रहे थे थर्ड सेंचुरी बी सी में सो द रैपिड सक्सेशन ऑफ द एम्पायन दर्ड सेंचुरी तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी कि थर्ड सेंचुरी में जो रोमन एम्पायर में सक्सेशन बड़ी जल्दी होते हैं ओके okay? uh, 25 in the 47 ईयर year. 47 में 25 फाइव जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं रोमन एम्पायर में एक के बाद एक नए नए एम्पायर यहाँ पे आ रहे थे तो ये चीजें देख के हमें ये पता चल रहा था कि इनके इंटरनल भी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी एम्पायर में इस पीरियड में सो आफ्टर डैट जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर की हम बात कर लेते हैं तो सबसे मॉडर्न फीचर जो था ना रोमन सोसाइटी का वो ये था कि आपको यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलेगी कंबाइंड फैमिली नहीं थी जो एडल्ट बेटा था वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था एंड बट एडल्ट ब्रदर्स जो हैं वो इकट्ठे रह सकते हैं ऑन दी अदर हैंड स्लेव्स जो है ना उन्हें भी फैमिली में इंक्लूड किया गया था एंड बट दिलेट रिपब्बलिक की अगर हम बात करें द टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज तो मैरिज जो थी ना वाज वन वेयर दी वाइफ डिड नॉट ट्रांसफर टू हर हर हस्बैंड अथॉरिटी तो हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है ना वो यहाँ पे हम ये बोल सकते कि वाइफ को हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं माना जाता था मीन जो है मैरिज के बाद में दोनों ही जो मैन एंड वुमेन थे वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मीन इंडिविजुअल पर्सन हुआ करते थे उन्हें जो है सिंगल पर्सन नहीं माना जाता था जब किसी प्रॉपर्टी का जो जब हक मिलना होता है ना जैसे कि प्रॉपर्टी uh, जो होती है ना वैसा नहीं है कि दोनों हस्बैंड वाइफ को जो है यहाँ पे इकट्ठी प्रॉपर्टी दे दी गई है वाइफ की प्रॉपर्टी का जो है अलग हक होता था हस्बैंड की प्रॉपर्टी का यहाँ पे अलग हक होता था ओके सो द टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज वॉज वन वे आर दाइफ डेड नॉट ट्रांसफर टू हर हसबेंड अथोरिटी बट रिटेन फुल राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ अर नटल फैमिली नटल फैमिली जो वाइफ की जो पेरेंटल फैमिली है ना तो वहां तक उस आ, वहां की जो प्रॉपर्टी है ना उसके पिता की जो प्रॉपर्टी है वो जो है इस लड़की को मिलती थी एंड वाइल द वुमेन डॉरी की अगर हम बात करें वेंट टू तो हस्बैंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द मैरिज तो जब तक यहाँ पे मैरिज रहती थी तो वुमेन की जो डॉरी है ना वो हस्बैंड को ही मिलती थी ओके जब तक मैरिज यहाँ पे रहती है तलाक के बाद में जो डॉरी के ऊपर भी हस्बैंड का कोई हक नहीं होता था सो द वुमेन रिमेंड अ प्राइमरी हेयर ऑफ हर फादर तो अब जो वुमेन थे वो अपने पिता की एक मेन वारिस होती थी एंड वो एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑनर भी होती थी फादर की डेथ के बाद में इस तरह से हम ये बोल सकते कि रोमन वुमेन जो थी उन्हें काफी अच्छे जो लीगल राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाई गई थी इन ऑनिंग एंड मैनेजिंग दी प्रॉपर्टी इन अदरवर्ड्स इन लॉ द मैरिड कपल जो है वो एक वन फाइनेंशियल एंडिटी नहीं होती थी सिंगल फाइनेंशियल एंटिटी नहीं होती थी वो ना दो एक तरह से फाइनेंशियल आइडेंटिटीज होती थी एंड दाइफ इंजॉयड कम्पलीट लीगल इंडिपेंडेंस एंड वाइफ को जो है एक प्रॉपर लीगल इंडिपेंडेंस यहाँ पे मिलता था तो डाइवोर्स जो है वो भी रिलेटिवली इजी था तो यहाँ पे जस्ट एक नोटिस ऑफ इंटेंट यहाँ पे चाहिए होता था मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए बाय आइदर हस्बैंड और वाइफ किसी भी कोई भी पर्सन यहाँ पे जब दे देता है इस तरह का इंटेंट तो जो है यहाँ पे डाइवोर्स हो जाता था सो so, मेल uh, की अगर हम बात करें तो जो लड़के थे वो लेट ट्वेंटीज या फिर अर्ली थर्टीज में मैरिज करते थे एंड वुमेन जो थी ना वो अपने लेट टीन्स में या फिर अर्ली ट्वेंटीज में जो है वो मैरिज कर लेती थी तो जिसकी वजह से यहाँ पे एज गैप जो होता है ना मैरिज के बीच में वो बहुत ज्यादा था ओके okay? जो कि ऑब्वियसली इन इक्वेलिटी को इनकरेज करता था एंड जो मैरिजिज थी वो जनरली अरेंज थी एंड ऑब्वियसली जब अरेंज होती है मोस्टली ऐसा माना जाता है कि वुमेन जो है दे वर सब्जेक्ट टू द डोमिनेशन बाय देयर हस्बैंड्स तो हस्बैंड जो डोमिनेट करते थे एंड ऑगस्टिन ग्रेट कैथोलिक बिशप जो थे ना उन्होंने अपनी में यहाँ पे किया, तो वो ये बताते थे, कि थे एक तरह से पीटा करते थे एंड मोस्ट ऑफ अदर वाइफ इन स्मोल टाउन वर ही ग्रुप ऑफ है दूसरी जो लोगों को भी वो देखते थे ना दूसरी एक तरह से लेडीज को जो देखते थे उनके साथ भी जो है यही चीजें होती थी ओके okay? सो so, फादर्स का अपने बच्चों के ऊपर जो है लीगल कंट्रोल हुआ करता था एंड फॉर एग्जांपल अ लीगल पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ की जो है बच्चे को जीवित रखना है या मारना है उसकी भी लीगल पावर जो है ना वो पिता के पास होती थी तो जो अनवांटेड बच्चा था ना जैसे कोई हुई होता था उसे जो है ठंड में बाहर मरने के लिए भी वो छोड़ सकते थे ये चीजें थी वहाँ पे लिटरेसी की बात करें तो एक तरह से इट इज़ सर्टेन दैट रेट ऑफ कैजुअल लिटरेसी वेरीड ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ़ द एम्पायर ऑब्वियसली लिटरेसी जो है वो वेरी करती है अलग अलग पार्ट में कहीं किसी जगह पे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं किसी जगह पे नहीं पढ़े होते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पोम्पई है एरिया जो कि बरीड हो चुका है वर्ल्ड इरप्शन इश्शन यहाँ पे आया था 79 नाइन सी ई में तो यहाँ पे कैजुअल लिटरेसी थी तो जो स्ट्रीट्स की वॉल है वहाँ पे एक तरह से एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलते हैं ग्रेफिटी यहाँ पे देखने को मिलती है तो यहाँ पे लिटरेसी थी एंड बाय कंट्रास्ट अगर इजिप्ट की बात करें यहाँ पे जो है पेपरी सरवाइव कर चुका है पेपरी जो कि एक राइटिंग मटेरियल होता है एंड फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह इसी पेपर के ऊपर ही लिखे जाते हैं एंड एक तरह से प्रोफेशनल स्क्राइब्स के द्वारा ही जो है इन पेपर के ऊपर लिखा जाता है वो तो सर्वाइव कर, कर सकते थे एंड वो हमें ये बताते कि कुछ लोग यहाँ पे रीड एंड राइट नहीं कर सकते हैं नहीं समझ सकते हैं पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं सो बट इवन हेयर लिटरेसी वर्टेली मोर वाइड स्प्रेड कैटेगरीज तो कुछ कैटेगरीज ऐसी थी जिसमें हमें लिटरेसी देखने को मिलेगी जैसे कि सोल्जर्स हो गए आर्मी ऑफिसर्स हो गए एस्टेट मैनेजर्स हो गए राइट right? तो कल्चर डाइवर्सिटी जो है वो तो आपको बता ही चुकी हूँ यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है रोमन एम्पायर में डिफरेंट रिलीजियस कल्ड थे लोकल डाइटीज यहाँ पे थी एंड लैंग्वेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा बोली जाती थी ड्रेस एंड कॉस्ट्यूम में आपको जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी खाना किस तरह का खाते थे उसमें डाइवर्सिटी है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी इवन देयर पैटर्न्स ऑफ द सेटलमेंट तो इसमें भी आपको जो है ना डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी ओके एंड देन अरेमिक जो है वो डोमिनेट लैंग्वेज थी नियर ईस्ट में यूफ्रेड के पास थे एंड देन उसके बाद में कॉप्टिक जो है वो इजिप्ट में बोली जाती थी प्यूनिक एंड बर्बर जो है नॉर्थ अफ्रीका में सेल्टिक जो है वो स्पेन में एंड नॉर्थ वेस्ट में बोली जाती थी तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी इवन लैंग्वेजेस में भी हमें देखने को मिलती थी बट ये जो लिंग्विस्टिक कल्चर्स थे ना वो प्योरली औरल थे इन्हें इसमें जो है कोई स्क्रिप्ट यहाँ पे नहीं थी लिखा नहीं जाता था इन लैंग्वेजेस में एंड इन्हें जस्ट बोला ही जाता था ओके एल्सवेयर द स्प्रेड ऑफ लैटिन डिस्प्लेस द रिटर्न फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस हाई ओवर एक दो लैंग्वेजेस ऐसी थी जिसे जो है बाद में काफी देर के बाद में उसकी जो स्क्रिप्ट होती है ना वो भी डेवलप हो गई थी फिर लोगों ने उसे लिखना स्टार्ट कर दिया था बट जब लैटिन भाषा यहां पे आ जाती है उसकी रिटर्न फॉर्म ही अब जब यहां पे आ जाती है तो वो पिछली जितनी भी लैंग्वेजेस थी ना उसे वो डिस्प्लेस कर देती है जैसे कि सेल्टिक हो गई राइट सेल्टिक जो है ये पहले औरल लैंग्वेज थी बाद में जो है ये स्क्रिप्टेड हो जाती मीन जो है इसकी स्क्रिप्ट भी यहाँ पे आ जाती है बट भाषा यहाँ पे आ जाती है ना लैटिन भाषा तो फिर ना वो इस सेल्टिक भाषा को जो है टोटली वो रिप्लेस कर देती है ओके सो विल कंटिन्यू विद सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें थैंक यू सो मच हैव अ नाइस बाय बाय